देश के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि आखिरकार वो देश के नंबर वन पहलवान क्यों हैं। सिर में गहरी चोट के बाद भी बजरंग पुनिया पूरे जोश के साथ सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मैट पर उतरे। बजरंग पुनिया को पहले ही कुश्ती के दौरान सिर पर गहरी चोट लग गई थी, जिसके चलते डॉक्टरों ने उन्हें खेलने से भी मना कर दिया था, लेकिन देश के लिए मेडल लाने का जज्बा इतना कि बजरंग पुनिया आखिर तक लड़े और देश के लिए गोल्ड लाने में भले ही वो असफल रहे हूँ, लेकिन 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में बजरंग पुनिया ने देश की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डाला। बजरंग वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले भारत के इकलौते पहलवान हैं, यानी जितने भी टूर्नामेंट में बजरंग पुनिया खेलने गए हैं वो बिना मेडल लिए वापस नहीं आए हैं। जीत के बाद घर लौटने पर बजरंग पुनिया का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बजरंग पुनिया ने क्या कहा, ये भी सुनिए। बिल्कुल, इतना प्यार सम्मान पाकर अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ, हमने देश के लिए मेडल जीता है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और कोशिश है कि भाई सोच के तो और बेहतर गए थे, पर नहीं हो पाया कि आगे और अच्छा करें और उसके लिए मेहनत करें। तो भजन जी, आपको पहली बाउट में ही चोट लग गई थी, उसके बाद किस तरह से आपने रिकवर किया और ब्रॉन्ज मेडल की फाइट में आपने ब्रॉन्ज जीता? देखिए, फर्स्ट बाउट में चोट लग गई थी, इंजरी हो गई थी, पर थोड़ा नर्वस भी था कि डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा। हाँ, अगली बाउट आ गया उसके बाद, तो मैंने तो ये सोचा कि भाई मैं लड़ूँ ना लड़ूँ। फिर साथ में संगीता थी, कोच थे, फिजियो थे, टीम थी पूरी, तो उन्होंने बोला कि भाई जो चीज़ चली गई है हिम्मत मत हार। डॉक्टर बोल रहे थे कि भाई सर में टाके लगवाने पड़ेंगे 4-5 जितने भी, तो मैं कहा फिर अगर लड़ना ही है तो फिर मैं टाके नहीं लगवाऊँ, क्योंकि टाके लगवाने के बाद नहीं लड़ सकते। तो इसी तरीके से फिर जो टीम थी साथ में मजबूती से उन्होंने हौसला बढ़ाया और उसके बाद वापसी जीते। भजन जी, घर वालों से आपकी बातचीत हुई होगी जब बाउट चोट लगी, तब माता जी ने और पिताजी ने क्या कहा? उस टाइम पे जब बाउट में था मैं, उस टाइम पे मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि उसके अगली बाउट 20 मिनट बाद थी, तो उस टाइम पे बात नहीं हुई। हाँ, सुबह जब बाउट से पहले बात हुई थी कि भाई सब अच्छा हुआ, अपनी तरफ से बेस्ट कर, तो उन्हें मेहनत कर रखी है, मेहनत का भगवान जरूर देगा। अभी ये जो मेडल है वो किसको समर्पित करते हैं? फैमिली है, पूरे देशवासी हैं, जिन्होंने मेरा हर टाइम सहयोग दिया है, सहयोग किया है, भाई इतना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं, तो सभी को समर्पित है। भजन जी, ओलंपिक में भी आपको चोट लगी थी और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी चोट लगी है, उससे ओलंपिक की चोट से आपने लगातार रिकवरी की है जबरदस्त तरीके से, लेकिन उस चोट से किस तरह से रिकवरी? देखिए, ये तो कट है, ये तो घाव है, बढ़ जाएगा, पर जो जैसे इंजरी होते, नी इंजरी थी, मतलब कोई लेगामेंट इंजरी होते, कोई मेजर इंजरी होती, उसमें टाइम लगता है। ये तो घाव है, घाव 5-10 दिन में बढ़ जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक की तैयारियां हैं, अब आप शुरू करने जा रहे हो, कितना फोकस है अपनी? देखिए पूरा, क्योंकि सभी मेडल है, बस अब ये है कि भाई मेडल का रंग बदलना है, उसी के लिए मेहनत करेंगे और उसी का ध्यान में रख के उसी तरीके से ट्रेनिंग करेंगे। तो वहीं बजरंग पुनिया ने बताया कि डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि सिर में टाके लगाने पड़ेंगे, लेकिन मैंने टाके नहीं लगवाए, क्योंकि अगर मैं टाके लगवा लेता तो आगे नहीं खेल पाता। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और नतीजा सबके सामने है कि मैं गोल्ड मेडल भले ही नहीं ला सका, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जरूर लाया। तो इसलिए ही कहते हैं कि हरियाणा की माटी, हरियाणा के खाने में और हरियाणा के गाबरुओं में इतना दम है कि वो जो भी ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ब्रॉन्ज मेडल के लिए बजरंग पुनिया को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हरियाणा तक के लिए ये खबर भेजी संवाददाता पवन राठी ने। चोगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।